हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ फिर से और आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, स्पेशली हमारे देश के यूथ को, हमारे देश के गेमर्स को। हाँ जी, तो इंडिया में वापस आ रहा है आपका बहुत ही पसंदीदा गेम पबजी, लेकिन इस बार ये नए रूप के साथ आएगा, नए रूल्स के साथ आएगा, नए रेगुलेशंस के साथ आएगा और बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ आएगा। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको पबजी में क्या आने वाला है, कब आने वाला है और कैसे आने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ और शेयर करिए बाकी गेमर्स के साथ। गेम खेलना एक अच्छी बात होती है, लेकिन तब तक जब तक वो लिमिट में खेला जाए। जैसे कि हम अब तक देखते आए हैं हमारे साथ के, आपके या हम हमारे आसपास के बहुत से बच्चे, बहुत से लोग पूरी पूरी रात गेम खेलते रहते हैं और पबजी में बुरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं, जो अपने फ्यूचर को भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी, अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि पबजी ने क्या किया था, इंडिया में कोरोना से फाइट करने के लिए एक डोनेशन दिया था और उसी डोनेशन के बाद आज उनकी ऑफिशियल साइट पे पबजी के इंडिया में लॉन्च होने का टीजर भी रिलीज हो गया है। यानी साफ पता लग रहा है पबजी भारत में आ रहा है और आप सब लोग इसका दिल खोल के स्वागत करने के लिए भी बेताब होंगे, बिकॉज गेम खेलना आपको बहुत पसंद है। चलिए तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि आखिर पबजी कैसे आएगा, कब आएगा और क्या क्या नए नए एडवांस फीचर है इसमें। तो पहली बात तो ये, अब जो इंडिया में पबजी आ रहा है वो एक नए नाम से आ रहा है, यानी पबजी का ऑल्टरनेट आ रहा है, एक तरह से ऑल्टरनेटिव पबजी है जिसका नाम उन्होंने दिया है बैटल ग्राउंड। ओके, इसके जो फीचर्स हैं वो मेनली क्या है। पहला फीचर तो ये है कि इसमें हर कैटेगरी को फिल्टर किया गया है, यानी अडल्ट को अलग रखा गया है और माइनर्स को अलग रखा गया है। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र की एज के हैं, उन बच्चों को पबजी मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पबजी मोबाइल में खेलने के लिए सबसे पहले अपने गार्जियंस का मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। ये पबजी यानी कि बैटल ग्राउंड का बहुत ही अच्छा डिसीजन है और बहुत ही अच्छा फीचर है। उम्मीद करते हैं बहुत सारे गार्जियन सब अपने बच्चों को ट्रैक कर पाएंगे। इसके बाद सेकंड फीचर ये है कि जो बच्चे 18 साल से कम के हैं, यानी कि 18 साल तक के बच्चे, अब पबजी मोबाइल में यानी कि बैटल ग्राउंड में जो कि नया गेम आ गया है, जो आपके सामने ये टीजर फ्लैश हो रहा है, इसमें सिर्फ आप 7,000 रुपए तक के अमाउंट को ही ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं। रिसेंटली ड्यूरिंग द पबजी के जब गेम खेल रहे थे तो सुनने में आ रहा था बहुत छोटे छोटे बच्चे कई लाख रुपीज को ना चाहते हुए भी बाई मिस्टेक पबजी में स्पेंड कर देते थे, इन्वेस्ट कर देते थे। उम्मीद है इससे वो चीज रुकेगी। इसके साथ साथ अब आप जो बच्चे 18 साल की उम्र के हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही पबजी खेल पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये बैटल ग्राउंड यानी पबजी का जो नया अल्टरनेट है उसका सबसे अच्छा डिसीजन है, सबसे अच्छा अपडेट है। अगला अपडेट, इस मोबाइल गेम में अब पबजी से नए फीचर्स आएंगे, लाइक नया ड्रेस कोड होगा, नई चीजें होंगी, सारी चीजें नई होंगी, नए भी वेपन्स होंगे, नया आउटफिट होगा। ये भी देखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हालांकि पबजी की ऑफिशियल साइट पे यानी कि बैटल ग्राउंड की ऑफिशियल साइट पे और उसके टीजर में ये कहीं भी इंडिकेटेड नहीं है कि वो इंडिया में किस दिन रिलीज हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है ये भारत में बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है और आप सबके लिए एक अलग लाइफ स्टाइल देने वाला है। हालांकि गेम खेलना मैं बुरा नहीं मानता हूं, गेम खेलने से माइंड का एक्सरसाइज होती है जो कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक ही अगर गेम खेला जाए तभी तक ये सही है। एक हद से ज्यादा खेलना गेम आपके लिए बहुत खतरनाक है और आपके लिए इसका आदि बना देता है। लेकिन जो नए फीचर्स आ रहे हैं पबजी के, जो कि मैंने अभी बताए और बाकी की आगे बताता चलूंगा आपको, उन्हें देख के सुन के लग रहा है कि इस सब चीजों से अब आप बहुत जल्दी बच जाएंगे। तो ये जो पबजी आ रहा है जिसका नाम बैटल ग्राउंड है, इसको अब आप संभाल के रहिए, रखिए और इसके इंतजार में बने रहिए। जैसे ही इसके नए फीचर्स आते हैं, नए अपडेट्स आते हैं, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करता हूं। जाते जाते इसके 2-3 अपडेट्स और देना चाहता हूं। अब जो पबजी यानी बैटल ग्राउंड आ रहा है वो सिर्फ इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि जैसा इंडियन पेरेंट चाहते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है और जैसे हम जैसे मेंटर चाहते हैं, यानी गेम 3 घंटे तक। इसके साथ साथ अब इसका सर्वर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहेगा, यानी पबजी में जो मैचिंग होती है वो सिर्फ इंडियन प्लेयर के साथ ही होगी, एक्सटर्नल कंट्रीज को भी बाहर रखा गया है। हो सकता है आने वाले टाइम इसको अलाउ कर दिया जाए। इसके साथ साथ जितने भी ई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो भी इंडिया तक ही सीमित रखे जाएंगे। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले नए अपडेट में इसको ग्लोबली भी किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से इसके फीचर्स अभी आए हैं, जिस तरह से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है।